हेलो गाइस, दिस इज दीपेश मिश्रा एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने कंपस सर्वे में सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे, WCB और QB यानी क्वाड्रेंटल बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग के बारे में जान लिया था। अब हमने कहा था कि हम आज क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, तो फर्स्टली हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल बियरिंग टू WCB मतलब होल सर्कल बियरिंग। फर्स्टली हमें दिया हुआ है N 30 डिग्री ईस्ट मतलब नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ये हमें दी हुई है क्वाड्रेंटल बियरिंग और हमें इसे कन्वर्ट करना है होल सर्कल बियरिंग में। अब होल सर्कल बियरिंग में हमने देखा था कि हम क्लॉकवाइज लेते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल जो है वो मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू 0 to 360 वेरी करती है। तो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट को हम अगर इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो यह हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये है ईस्ट। अब 30 डिग्री बोला, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 30 डिग्री का जो है डिफरेंस है, तो वो हम अगर शो करना चाहें तो 30 डिग्री अगर ये हमारी लाइन है कोई OA, तो 30 डिग्री यहां से हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो रहा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण ये डायरेक्टली जो होल सर्किल बियरिंग में जो कन्वर्ट होगा ये डायरेक्टली 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री गए हैं हम क्लॉकवाइज नॉर्थ से। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम 30 डिग्री नॉर्थ से क्लॉकवाइज गए हैं तो ये हमारा आंसर जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है S 38 डिग्री 46 मिनट ईस्ट। अब साउथ और ईस्ट की बात की है, हम यहाँ पे नॉर्थ में गए थे पहले वाले में, नॉर्थ और ईस्ट की बात की थी, अब यहाँ पे साउथ और ईस्ट की बात की है। क्यूबी में साउथ और ईस्ट मतलब हमारा जो जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के कारण जब हम इस तरफ से बढ़ेंगे और यहां से साउथ में अगर हम देख रहे हैं साउथ 38 डिग्री 46 मिनट ईस्ट लिखा हुआ है, तो हम अगर साउथ से बढ़ रहे हैं तो यहां से हम इस तरफ के लिए 38 डिग्री और 46 मिनट बढ़ जाएंगे, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी हमारी लाइन और ये जो एंगल है हमारा वो हो जाएगा 38 डिग्रीज एंड 46 मिनट्स। ये हमारा एंगल हो जाएगा, हम साउथ से ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग में। तो WCB में क्या होता है, हम नॉर्थ से मेजर करते हैं, तो हम यहाँ पर जब हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ में हम पूरा अगर मान लेते हैं तो 180 डिग्री आएंगे, हम पूरा अगर हम मेजर करते हैं नॉर्थ से साउथ तो 180 डिग्री आएगा हमारा, तो ये 180 डिग्री तो नहीं है, हम 38 डिग्री इस तरफ चले गए हैं, ये हमारी जो लाइन है OB वो हम 38 डिग्री ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चले गए, तो यहाँ से हम 180 जो हमारा टोटल है उसमें से अगर हम 38 डिग्री 46 मिनट्स माइनस कर देते हैं तो हमारी WCB यानी होल सर्कल बियरिंग इस क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगी। तो अगर हम माइनस कर देते हैं 180 माइनस 38 डिग्रीज एंड 46 मिनट्स, तो हमारी जो WCB आ जाएगी वो आ जाएगी 141 डिग्रीज एंड 14 मिनट्स। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए WCB। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो दिया हुआ है नॉर्थ 18 डिग्री 36 मिनट वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट लिया हुआ इसने डायरेक्शन, तो ये हमारा नॉर्थ ये हमारा वेस्ट। अब जो हमारा बियरिंग होगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो 18 डिग्री 36 मिनट्स वेस्ट जाना है हमें नॉर्थ से, मतलब हमें इस तरफ जाना है, यहाँ से इस तरफ नॉर्थ से इस तरफ हमें जाना है वेस्ट की तरफ, तो ऐसे कुछ हो जाएगी ये लाइन, इसे हम OC मान लेते हैं। तो 18 डिग्री 36 मिनट 18 डिग्रीज 36 मिनट्स हम वेस्टवर्ड आ गए हैं, तो हमें अगर टोटल मेजर करना है, टोटल अगर हम देखें तो नॉर्थ से अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो ऐसे जाके हम पूरा 360 कवर करते हैं, नॉर्थ से हम नॉर्थ फिर से आएंगे अगर तो 360 डिग्रीज हम कवर कर लेंगे, और 360 डिग्रीज में से हमें क्या चाहिए, हमें OC की बियरिंग चाहिए है, WCB OC की चाहिए हमें, तो OC तक हमें पहुंचने के लिए ये 360 में से 18 डिग्री और 36 मिनट जो है वो माइनस करने पड़ेंगे, तो हमारी जो WCB आएगी इसमें 360 डिग्रीज माइनस 18 डिग्रीज एंड 36 मिनट्स, तो इसमें हमारी जो WCB आ जाएगी वो आ जाएगी 341 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, और WCB में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, ये क्वाड्रेंटल बियरिंग दी हुई थी इन्हें हमने WCB में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें WCB से
क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, तो वो देख लेते हैं हम कि वो कैसे करेंगे। तो क्या दिया हुआ हमें, हमें दिया हुआ है क्वाड्रेंटल, डब्ल्यू सी भी दी हुई है हमें, मतलब पोल सर्कल बियरिंग में सारे जो भी क्वेश्चंस हैं तीनों तीनों ही डब्ल्यू सी बी में दिए हैं, जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बियरिंग में। तो अब इसे हम कन्वर्ट करने के लिए देख लेते हैं। फोर्टी एट डिग्री और थर्टीन मिनट्स दिया हुआ है डब्ल्यू सी बी, मतलब हम अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो 48 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे हम, तो हमारा जो क्यू बी है वो कितना है, डब्ल्यू सी बी हमारा 48 डिग्री एंड 13 मिनट्स है, तो हमारा जो डब्ल्यू क्यू बी आएगा मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग आएगा वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा। तो सीधे सीधे अगर 48 डिग्री आ रहे हैं हम नॉर्थ से, तो हमारा जो क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगा वो नॉर्थ 48 डिग्री एंड 13 मिनट्स हो जाएगा, 13 मिनट्स ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें हम अगर कन्वर्ट करते हैं क्यूबी में, तो ये हो जाएगा नॉर्थ 48 डिग्रीज 13 मिनट्स ईस्ट। नेक्स्ट है हमारा 138 डिग्रीज एंड 12 मिनट्स, 138 डिग्रीज और 12 मिनट्स दिया हुआ हमें डब्ल्यू सी बी। तो हम नॉर्थ से अगर 138 डिग्री, यहां तक हम 180 आते हैं, तो 138 डिग्री आ रहे हैं अगर हमें यहां से नॉर्थ से, तो हमारी लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, आप देख फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो हमारा जो हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, मतलब आगे और पीछे, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम डिटरमाइन कर लेंगे, पहले साउथ और ईस्ट लिख लेते हैं और बीच में जो वैल्यू आनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब हम 138 डिग्री और 12 मिनट्स आ गए हैं नॉर्थ से, 138 डिग्रीज और 12 मिनट्स आ गए हैं। अब ये जो टोटल होता है नॉर्थ से साउथ वो होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से हमें ये चाहिए, मतलब इतना जो है इतना एंगल हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मतलब ये जो है ये वैल्यू आएगी क्वाड्रेंटल बियरिंग की, साउथ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो होगा 180 डिग्री माइनस 138 डिग्रीज एंड 12 मिनट्स। मतलब ये जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा साउथ 41 डिग्रीज एंड 48 मिनट्स ईस्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। जब हम 180 डिग्री में से 138 डिग्री एंड 12 मिनट्स माइनस कर देंगे तो हम 41 डिग्री और 48 मिनट्स आएगा। तो साउथ और ईस्ट के बीच में है ये, साउदर्न डायरेक्शन और ईस्टर्न डायरेक्शन के बीच में ये लाइन है, तो उसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा साउथ 41 डिग्रीज एंड 48 मिनट्स ईस्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो गिवन है 300 डिग्रीज एंड 33 मिनट्स, 300 डिग्रीज दिया हुआ और 33 मिनट्स दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट्स चारों, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब नॉर्थ से हम चल के 300 यहाँ पे, अब जब आ रहे हैं हम यहाँ ईस्ट तक तो 90 डिग्रीज होता है, साउथ तक आएंगे ये नॉर्थ से चल के तो 180 होता है, और वेस्ट तक जाएंगे क्लॉकवाइज जाने पे तो 270 हो जाता है। तो यहाँ 270 से ज्यादा वैल्यू दी हुई है, तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू लाया करेगी वो करेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करेगी मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये कोई लाइन होगी, मतलब हमारी जो क्वाड्रेंटल बियरिंग आएगी वो नॉर्थ और वेस्ट इसके बीच में कोई एंगल होगा, हमें नहीं पता कि कितना होगा लेकिन वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें दिया हुआ है क्लॉकवाइज अगर हम आते हैं यहां से नॉर्थ से क्लॉकवाइज हम आते हैं 300 डिग्रीज और 33 मिनट्स, 300 डिग्री 33 मिनट अगर हम यहां से आ गए हैं तो हमें टोटल पता है, हमें टोटल पता है नॉर्थ से अगर हम क्लॉकवाइज जाके नॉर्थ में फिर आते हैं तो हमारा टोटल जो डिग्रीज काउंट हो जाएगा वो हो जाएंगे 360, और हम 300 तक आ रहे हैं मतलब हमें 360 में से 300 डिग्रीज और 33 मिनट्स माइनस करने पड़ेंगे, तो हमारी जो ये वैल्यू है मतलब एंगल आ जाएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो वो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, 360 डिग्रीज माइनस 300 डिग्री 33 मिनट्स, ये हम कर लेंगे। तो इससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, एंड 29 डिग्रीज एंड 27 मिनट्स, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा नॉर्थ 329 डिग्रीज 27 मिनट वेस्ट,
ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम कन्वर्ट जब कर लेंगे तो नॉर्थ 329 डिग्री 27 मिनट वेस्ट आ जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, लास्ट क्वेश्चन जो है, इफ मैग्नेटिक बियरिंग इज साउथ 35 डिग्री ईस्ट एंड डिक्लिनेशन इज 9 डिग्री वेस्ट एंड 5 डिग्री वेस्ट, तो 9 डिग्री ईस्ट होगा यहाँ पर, 9 डिग्री ईस्ट एंड 5 डिग्री वेस्ट, दो क्वेश्चन है इसको, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कंसिस्ट कर रहा है, तो अलग अलग दोनों के केसेस हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्टली हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, मैग्नेटिक बियरिंग इज गिवन विच इज, मैग्नेटिक बियरिंग इज गिवन विच इज साउथ 35 डिग्रीज ईस्ट। अब इसे हमें अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए इजी क्या पड़ता है हमें, WCB मतलब होल सर्कल बियरिंग सिस्टम ज्यादा इजी पड़ता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे WCB में। तो अब WCB जो है हमारा वो हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग जो है साउथ 35 डिग्री ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में हुआ है, तो 35 डिग्री मतलब ये हमारा हो जाएगा 145 डिग्रीज इन होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग में हमारी जो मैग्नेटिक बियरिंग आ रही है वो है 145 डिग्रीज। तो अब हमें फॉर्मूला पता है कि TB मतलब ट्रू बियरिंग, हमें ट्रू बियरिंग ही निकालनी है, फाइंड ट्रू बियरिंग इन दोनों केसों के लिए। तो फर्स्ट केस जो है हमारा, उसमें हमारा जो डिक्लिनेशन है वो है 9 डिग्री ईस्ट, तो 9 डिग्री ईस्ट अगर हमारा डिक्लिनेशन है फर्स्टली अगर देखें हम, तो एक सेकेंड क्वेश्चन देख लूं, चल। तो हमारे जो ट्रू बियरिंग गिवन है, ट्रू बियरिंग नहीं, मैग्नेटिक बियरिंग जो है हमारी गिवन 145। अब ये वाले केस में 9 डिग्री ईस्ट जो है वो डिक्लिनेशन दिया हुआ है, और ट्रू बियरिंग का जो फॉर्मूला था वो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस और माइनस डिक्लिनेशन था। तो जब ईस्टर्न डिक्लिनेशन होता है तब हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन, मतलब जो डिक्लिनेशन दिया होता है वो होता है फॉर्मूला। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक बियरिंग जो हमारी है वो है 145 डिग्रीज और प्लस डिक्लिनेशन हमें जो गिवन है वो है 9 डिग्री ईस्ट, मतलब 9 डिग्रीज जो है वो हमारा डिक्लिनेशन, तो 9 डिग्रीज में प्लस करें तो 154 डिग्रीज इसका ट्रू बियरिंग आ जाएगी। इसे हम अगर कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो हम देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करना है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया है लेकिन इसमें देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। ये है 154 डिग्रीज, मतलब नॉर्थ से अगर हम 154 डिग्रीज आ रहे हैं तो यहाँ कहीं पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन, और 180 में से 154 माइनस कर देंगे तो हमारा जो क्वाड्रेंटल बियरिंग में जो वैल्यू है वो आ जाएगी, तो साउथ और ईस्ट के बीच में आएगी है, तो 180 माइनस 154 कर देते हैं अगर हम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्री साउथ 26 डिग्री ईस्ट। ये हमारी कन्वर्जन के बाद वैल्यू है जो कि हमें सॉल्व करके निकालनी थी, मतलब ट्रू बियरिंग की वैल्यू इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम साउथ 26 डिग्री ईस्ट आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा केस था वो था 5 डिग्री वेस्ट डिक्लिनेशन, तो यहाँ फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक बियरिंग हमारी 145 है, उसमें से 5 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 140 डिग्रीज इन WCB। अब इसे हमें फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेंटल बियरिंग में, क्वाड्रेंटल बियरिंग में से हम अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 140 डिग्री अब फिर इस तरफ चलेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ लाइन आ जाएगी, तो साउथ और ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में तो ये फिर आएगा, लेकिन इस बार एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 140 है, तो 180 माइनस 140 करने पे हमारा जो है वो आएगा 40 डिग्री साउथ 40 डिग्री ईस्ट। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस
एट नून इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्रीज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब हमें एक कंडीशन दी हुई है अर्थ से रिलेटेड और सन से रिलेटेड इसमें बोला है कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है सन की एट अ प्लेस मतलब एक मतलब नून में दिया हुआ नून मतलब दिन के टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में दिया हुआ सन जो है वो नून के टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में है मतलब उसकी जो ट्रू बियरिंग हो जाएगी मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ कहीं होना चाहिए सन अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो ट्रू बियरिंग जो होगी उसकी होगी 180 डिग्रीज अगर वही सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता मतलब यहाँ कहीं होता तो उसकी जो ट्रू बियरिंग है वो 360 डिग्री हो जाती तो इसके हिसाब से हमारे पास ट्रू बियरिंग आ गई कि साउदर्न हेमिस्फीयर में सन नून के टाइम पे तो 180 डिग्री उसकी ट्रू बियरिंग हो जाएगी तो हमारे पास ट्रू बियरिंग आ गई ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्रीज अब हमें गिवन क्या है हमें गिवन है कि मैग्नेटिक बियरिंग मतलब मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन गिवन है हमारा मतलब जो ट्रू बियरिंग है वो तो 180 है लेकिन जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो 167 मतलब वो यहाँ कहीं है मतलब ये यहाँ से यहाँ कहीं पर सन मैग्नेटिक बियरिंग के हिसाब से सन यहाँ पर है मतलब यहाँ से 167 डिग्रीज पे सन प्रेजेंट है नून में तो अब हमें क्या निकालना है हमें डिक्लिनेशन निकालना है डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज क्वेश्चन मार्क मतलब अब हमारा फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन ये होता है हमारा फॉर्मूला अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और डिक्लिनेशन निकालना है कि यहाँ पर कितना डिग्री का डिक्लिनेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ईस्टर्न है या वेस्टर्न है ये निकालना है तो हमारी जो वैल्यू गिवन है 180 डिग्रीज ट्रू बियरिंग की मैग्नेटिक बियरिंग जो है हमारी वो गिवन है 167 डिग्रीज और यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा में पता नहीं तो क्या हमें निकालना है अगर हम इसे डिस्प्लेस अगर कर देते हैं तो 180 डिग्रीज माइनस 167 डिग्रीज इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13 डिग्रीज आ रहा है और ये डेल्टा इक्वल में हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 13 डिग्री अब हमें ये कैसे पता चले कि ईस्टर्न डिक्लिनेशन है या वेस्टर्न डिक्लिनेशन है तो ये अगर पॉजिटिव है क्योंकि ये देख सकते हो आपकी 13 डिग्री जो है वो पॉजिटिव आया है 180 माइनस 167 करेंगे तो 13 डिग्री जो है वो पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव के कारण हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डिक्लिनेशन है वो 13 डिग्री ईस्ट है हमने पहले ही देख चुके हैं कि जो ईस्टर्न डिक्लिनेशन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो वेस्टर्न डिक्लिनेशन होता है वो नेगेटिव होता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा 13 डिग्री ईस्टर्न डिक्लिनेशन है इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट इन कंपास सर्वे मतलब कंपास सर्वे में जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं जो एंगल का मेजरमेंट वो कैसे किस यूनिट्स में कैसे करना है वो हमें देखना है तो उसके लिए एक सब टॉपिक है वो है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इसको जानना जरूरी है क्योंकि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं अलग अलग स्टेशन लगाकर उसमें हम फोर बियरिंग और बैक एंगल्स जो हम बियरिंग्स जो मेजर कर रहे हैं उन्हें या तो फोर बियरिंग कहेंगे या बैक बियरिंग कहेंगे इनके अलावा हम कोई और चीज डिस्कस नहीं करने वाले उसमें तो जो फोर बियरिंग होती है अगर हमारे कोई दो स्टेशन है ए और बी दो एडजेसेंट स्टेशन है हम सर्वे कर रहे हैं हमने कंपास लगाया है ए में और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे हम दूसरे स्टेशन में फिर से कंपास लगाएंगे तो फर्स्टली हमें क्या करना है हमें इन दोनों जो स्टेशन हैं उन दोनों के बीच में जो बियरिंग मेजर करनी है वो अगर हम ए स्टेशन से बी स्टेशन मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं ए स्टेशन से बी स्टेशन उसके बाद कहीं और आगे बी से सी जा रहे हैं तो अगर हम जो फोर बियरिंग जो है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि ए टू बी अगर हम मेजर कर रहे हैं बियरिंग मतलब एडजेसेंट स्टेशन है ए बी तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स अगर हम मेजर कर रहे हैं बियरिंग ऑफ द एडजेसेंट स्टेशन मतलब इन दोनों स्टेशन के बीच में कितना एंगल है वो अगर हम मेजर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंगल तो उसे कहते हैं हम फोर बियरिंग और जो बैक बियरिंग होती है हम यहाँ पे हमने बताया कि फोर बियरिंग जो है वो ट्रेवर्स के डायरेक्शन में मेजर की हुई बियरिंग है और जो बैक बियरिंग होती है वो इसका जस्ट अपोजिट होती है मतलब अगर हम
ट्रेवल्स हमारा जो है ए टू बी जा रहा है, लेकिन अगर हम बी की बियरिंग यानी बी से ए के बीच में बियरिंग अगर देखना यानी मेजर करना चाहेंगे, तो ये जो बियरिंग आएगी हमारी वो हो जाएगी बैक बियरिंग। हमने ए टू बी अगर जा रहे हैं, ट्रेवल्स हमारा जो है ए टू बी साइड बी की तरफ जा रहा है, और हम अगर इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं बियरिंग रिस्पेक्टिव टू ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जो बियरिंग निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, वो हो जाएगा हमारा फोर बियरिंग। और जो हम बैक साइड में मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ट्रेवल जो हम मेजर कर रहे हैं बियरिंग दो एडजेसेंट स्टेशन के बीच में, तो उसे हम कहेंगे बैक बियरिंग। तो ये क्लियर होगा कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग क्या होती है। अब आप देख सकते हो इसमें इस वाले डायग्राम में कि बैक बियरिंग जो है हमारी, अगर हम देखें इसमें ए टू बी अगर हम देख रहे हैं, तो बैक बियरिंग एट बी, अगर हम बैक बियरिंग निकालना चाहें बी की, बैक बियरिंग अगर हम निकालना चाहें बी पॉइंट की बैक बियरिंग, मतलब ये जो है ये हो जाएगी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग हो जाएगी जो बाकी एंगल बचा। तो फोर बियरिंग ऑफ ए मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर बियरिंग ऑफ ए प्लस 180 डिग्रीज, मतलब ये जो हमारा एंगल है ये हमारा फोर बियरिंग ऑफ ए है, और यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल बनेगा इतना, सिर्फ इतने की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल भी सेम ही बनेगा। अब जो 180 जो है वो हम इतना आ रहे हैं उसके बाद हम प्लस कर रहे हैं इतना, मतलब जो हमारी फोर बियरिंग है उसे हम प्लस कर दे रहे हैं, तो हमारा जो बैक बियरिंग ऑफ बी है वो आ जा रहा है। तो इस वाले के लिए ये केस बनता है कि बैक बियरिंग एट ऑफ बी इज इक्वल टू फोर बियरिंग ऑफ ए प्लस 180 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारा जो केस है उसमें क्या हो रहा है हम उसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, बैक बियरिंग एट बी इज इक्वल टू फोर बियरिंग एट ए प्लस 180 डिग्रीज। अब ये वाला अगर हम केस देख लेते हैं तो इसमें भी शायद एक फॉर्मूला निकल के आया, हम वो चेक कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला निकल के आता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैक बियरिंग एट ए मतलब बैक बियरिंग एट ए की बात हो रही है, वो कितना होगा, वो इक्वल टू होगा फोर बियरिंग एट बी माइनस 180 डिग्री। मतलब बैक बियरिंग एट ए मतलब हम यहां से इस तरफ अगर बियरिंग नापने के लिए आ रहे, बियरिंग मेजर करनी है हमें, तो वो कितना होगा, तो फोर बियरिंग एट बी, हमारी जो फोर बियरिंग है बी पे वो ये है, यहां से इतनी 180 प्लस समथिंग कुछ कुछ है, मतलब ये 180 हो गया, इसके अलावा कुछ थोड़ी और वैल्यू होगी, ये हमारी हो गई फोर बियरिंग एट बी। अब हमें क्या करना है, हमें मेजर करना है ये एंगल, मतलब बैक बियरिंग एट ए, बैक बियरिंग एट ए ये हो जाएगा हमारे लिए, तो वो हमें मेजर करना है। तो ये हो गया हमारा 180, और ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है वो अगर हम प्रॉपर्टीज देखें एंगल की, तो एडजेसेंट एंगल है ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल होने के कारण हमें ये निकल के आ जाएगी, तो बैक बियरिंग एट ए जो है वो हमारा हो जाएगा फोर बियरिंग एट बी, फोर बियरिंग एट बी यहां से यहां तक आए माइनस 180 डिग्री। उसमें से हम ये अगर हटा देते हैं, इतनी हमारी पूरी वैल्यू, उसमें से हम अगर ये वैल्यू हटा देते हैं हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू जो है वो बैक बियरिंग एट ए है, बैक बियरिंग ऑफ ए। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आया, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, चेंजेस ये आए कि बैक बियरिंग एट बी इज इक्वल टू फोर बियरिंग एट ए प्लस 180, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आया बैक बियरिंग एट ए इज इक्वल टू फोर बियरिंग एट बी माइनस 180, तो चेंजेस आया सिर्फ साइन का, ये वाला साइन जो है वो बस चेंज हो रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला इन दोनों से मिलाकर बनता है वो है बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्रीज। अब ये जो है दोनों साइन गिवन है यहाँ पे, तो प्लस का साइन तब आएगा जब एफ बी जो है मतलब फोर बियरिंग जो है हमारी वो 180 से कम होगी, और माइनस या नेगेटिव का साइन तब आएगा जब फोर बियरिंग जो है हमारी वो 180 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लोकल अट्रैक्शन। अब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग हमने मेजर तो की, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया अगर, तो वो जो है वो इसके कारण आता है। मतलब लोकल अट्रैक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि प्रिवेंट करता है मैग्नेटिक नीडल को फ्रॉम पॉइंटिंग टू ट्रू नॉर्थ। मतलब अगर हमारी मैग्नेटिक नीडल ट्रू नॉर्थ दिखाती है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अगर लोकल अट्रैक्शन वहां पे प्रेजेंट है, तो उसके कारण जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ट्रू नॉर्थ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और थोड़ा बहुत एंगल जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग हम मेजर कर रहे हैं कंपास सर्वे से, और कंपास जो यूज कर रहे हैं वो मैग्नेटिक नीडल के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। मैग्नेटिक नीडल अगर
ट्रू नॉर्थ नहीं दिखा रही तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ना हमारी रीडिंग में, तो वो हम देख लेते हैं कि ये क्यों आ रहा है। तो पहले देख रहे हैं कि लोकल अट्रैक्शन क्या करता है। लोकल अट्रैक्शन मैग्नेटिक नीडल को ट्रू नॉर्थ दिखाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल वायर, स्टील स्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस एंड अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स इट अकर्स। मतलब लोकल अट्रैक्शन जो है वो क्यों हो रहा है। लोकल अट्रैक्शन इसलिए हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायर, अगर हमारा जो स्टेशन है जहां पर हम सर्वे कर रहे हैं वहां पर अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं आसपास में, यानी विसिनिटी में अगर पास में इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, स्टील स्ट्रक्चर है या रेलवे लाइंस हैं या अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो उसके कारण जो हमारी नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो इसके कारण आ रहा है हमारा एरर, जिसको हमें बाद में ठीक करना पड़ेगा, मतलब उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे। हमें ये तो पता है कि ये लोकल अट्रैक्शन आ सकता है किसी प्लेस पे, लेकिन इसे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो डिटेक्शन है वो बहुत इजी है। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्रीज है तो हमारा जो स्टेशन है वो 180 डिग्रीज है तो हमारा जो स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन से प्रोन नहीं है, मतलब लोकल अट्रैक्शन से फ्री है हमारा स्टेशन। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है तो हमारा जो स्टेशन है, जिस स्टेशन पे हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग नोट की हमने, वो अगर 180 डिग्री का डिफरेंस दे रहा है तो हमारा जो स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। लेकिन अगर 180 डिग्री हमारा डिफरेंस नहीं आ रहा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का, तो हमारा जो स्टेशन है वो प्रोन टू लोकल अट्रैक्शन है, मतलब वो अफेक्ट हो चुका है। अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब एक वैल्यू को सुधार के पूरा जो ट्रेवर्स है उसके सारी वैल्यूज को उतना ही करेक्शन लगा के सही करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो एरर है वो पूरी वैल्यू से हट जाएगा। लोकल अट्रैक्शन हमारा हो गया। अब हमें क्वेश्चन करना है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल जो है बहुत छोटा सा है इसमें और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो हम वो कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द बैक बियरिंग ऑफ फॉलोइंग लाइंस। मतलब हमें गिवन है फोर बियरिंग, सारी लाइंस की फोर बियरिंग गिवन है हर क्वेश्चन में और बैक बियरिंग हमें निकालनी है। तो हमारा बैक बियरिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये फॉर्मूला देखा हमने, ये है हमारा फॉर्मूला। तो हमें बैक बियरिंग निकालनी है, फोर बियरिंग इज इक्वल टू 148 हमें गिवन है, तो हमें ये पता है कि 180 जो है वो प्लस तब होता है जब हमारी वैल्यू फोर बियरिंग की 180 से माइनस होती है, 180 से कम होती है, तब हमारा जो बैक बियरिंग है उसमें 180 प्लस होता है, और जब फोर बियरिंग की वैल्यू 180 से कम 180 से ज्यादा होती है तब हमारा 180 हम माइनस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बैक बियरिंग जो आ जाएगी वो होगी 148 हमारी गिवन है, फोर बियरिंग प्लस हो जाएगा इसमें 180, तो हमारी जो फोर बैक बियरिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 328 डिग्रीज। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें फोर बियरिंग हमें जो गिवन है वो है 65 डिग्रीज। ये भी आप देख सकते हो कि 180 से कम है, तो यहाँ पे भी हमारी बैक बियरिंग निकालने के लिए 180 डिग्री हमें प्लस करना पड़ेगा। तो बैक बियरिंग इन दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 65 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 245 डिग्रीज। 245 डिग्री हमारा बैक बियरिंग आ जाएगी जब हमारी फोर बियरिंग जो है 65 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर बियरिंग इज इक्वल टू 285। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 180 डिग्री से तो ज्यादा है ये वैल्यू फोर बियरिंग की, तो हमें 180 माइनस करना पड़ेगा फोर बियरिंग में से टू गेट द वैल्यू ऑफ बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 105 डिग्रीज। तो ये हो गया तीसरा वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर बियरिंग इज इक्वल टू 215, मतलब 215 दी हुई है हमारी फोर बियरिंग। अब बैक बियरिंग फिर से इजीली हम इसे निकाल सकते हैं, बैक बियरिंग इज इक्वल टू 215 माइनस 180 डिग्रीज, तो ये आ गई हमारी बैक बियरिंग 35 डिग्रीज।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ है, फोर बियरिंग इज इक्वल टू नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट। अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो हमें या तो हम लॉन्ग मेथड से कर, मैं लॉन्ग मेथड से ही करा रहा हूँ आप लोग को ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट, इसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं डब्ल्यू सी बी में तो हमारा हो जाएगा क्या एंगल इसमें 360 माइनस 36, ये हमारा बीच में आ जाएगा। तो ये जो एंगल है वो आएगा हमारा 324 हमारा जो है डब्ल्यू सी बी में इसकी वैल्यू आ गई 324 वैल्यू आ गई इसकी। अब हमें निकालना है क्या, हमें बैक बियरिंग निकालनी है, फोर बियरिंग हमारी गिवन है वो है 324। अब बैक बियरिंग हमें निकालनी है तो बैक बियरिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके हिसाब से क्या है कि हमारी जो फोर बियरिंग है वो 180 से ज्यादा है तो हम 180 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है 324 डिग्री जो है उससे हम 180 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हो जाएगी 144, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 144। अब 144 तो आ गए हमारे पास, अब हमें इसे फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो हमारा गिवन होगा अगर ऑप्शन में वो इस क्वाड्रेंटल बियरिंग में दिया हुआ होगा ना कि हमारी 144 डिग्री डब्ल्यूसीबी में, तो नहीं दिया होगा आंसर, हमें इसी तरह से आंसर करना पड़ेगा जिस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अब हम 144 को फिर से कन्वर्ट करेंगे इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो 144 डिग्री अगर है तो हमारा जो क्वाड्रेंट बनेगा वो ये वाला, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी हमारी लाइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के कारण हम साउथ और ईस्ट के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा तो साउथ 180 माइनस 144 डिग्री ईस्ट, मतलब ये जो हमारा एंगल आ रहा है वो हो जाएगा साउथ 36 डिग्रीज ईस्ट, ये आ जाएगी हमारी बैक बियरिंग ऑफ द लाइन, गिवन लाइन विच इज, मतलब फोर बियरिंग जिसकी नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट है उसकी बैक बियरिंग साउथ 36 डिग्री ईस्ट। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, लेकिन शॉर्ट मेथड भी इसका हमें पता है कि 180 डिग्री का डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में होता है, तो हमें अगर बैक बियरिंग निकालनी है तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो साइन दिया हुआ है ये नॉर्थ और ये वेस्ट, इन दोनों को जस्ट अपोजिट कर देना है, इसको जस्ट पलट देना, नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा साउथ और वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट, और जो एंगल है वो सेम रहे क्योंकि सिर्फ 180 में हम सिर्फ हमारी जो पूरी लाइन है वो एक आधे सर्कल में पलट जाती है, तो इसके कारण जो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ 36 डिग्री ईस्ट। तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस लगाए फोर बियरिंग बैक बियरिंग के और पहले वाली क्लास के डिक्लिनेशन के क्वेश्चंस लगा लिए, होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट जो जितने मैंने बताया सारे क्वेश्चन जो लगवाए वो समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप अगर क्वेश्चन लगाते हैं किसी दूसरी बुक से तो आप अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगर आंसर जो भी होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा या फिर हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेवर सर्वे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.